सिर्फ एक बोतल से करें घर का झाड़ू पोछा दोनों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत सारे किचन के हैक्स, जिससे कि हम अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए सबसे पहले टिप शुरू करते हैं। जैसे कि इस तरह की बोतलें होती हैं, ऊपर का हम पार्ट निकाल लेते हैं। तो पहले हमने ऊपर का निकाल लिया है, जिससे हम झाड़ू पोछा करके दिखाएंगे। अब जो नीचे का पार्ट बचता है, इसको हम क्या करें, इसमें इसके लिए हमें घर में ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं छोटे छोटे, जैसे चम्मच हो गया, छन्नी हो गई, चाकू है और चमचा है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम इस तरह से रख देंगे। ये सारी ढेर सारी चीज़ें एक ही बोतल में आ जाएंगी और इसमें ये हमारा किचन भी साफ़ सुथरा रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है। देखिए, हम सारे बर्तन इसी में रख के दिखाएंगे एक छोटी सी बोतल के अंदर। तो देख सकते हैं कितने ढेर सारे बर्तन इसके अंदर आ गए हैं। तो इसी तरह आप भी अपने बर्तनों को रख सकते हैं। अब ये देखने में भी अच्छा लगता है, कहीं भी इसको रख दीजिए। अगर स्टैंड नहीं है तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स अपना करके आप काम को कर सकते हैं। तो चलिए, दूसरी टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि जिसके छोटे बच्चे होते हैं और बच्चे मोबाइल चलाना तो आजकल हर किसी को पसंद होता है, तो क्या होता है, बच्चों को अगर मोबाइल पकड़ा दो तो वो कहीं ना कहीं गिरा देते हैं। अगर गिर गया तो गलती से हमारा स्क्रीन टूट जाती है। तो जो बोतल होती है उसमें पानी भर दीजिए और ढक्कन कस के लगा दीजिए। उसके बाद में इस तरह से दो रबड़ लगा करके, मोबाइल को लगा करके बच्चों को दे दीजिए और फिर बच्चे आराम से देखते रहेंगे, ये कहीं भी गिरेगा नहीं और एक जगह टिका रहेगा। हम लोग भी किचन में काम करते हैं तो मोबाइल को चलाना बहुत मतलब पसंद करते हैं। तो इस तरह से छोटी सी टिप्स अपना करके आप अपने काम को कर सकते हैं। आशा करती हूँ यह भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो नेक्स्ट टिप्स हमारी है इस तरह के डब्बे को लेकर के, जैसे मसाले के डब्बे हो गए या धूपबत्ती के डब्बे होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, जब खाली हो जाते हैं तो इनको हम फेंक देते हैं। चलिए, इसका हम एक बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, इसको आप लोग ज़रूर देखिए। इस तरह से पहले हम काट लेते हैं दोनों साइड से, ऊपर का पार्ट नहीं अलग करेंगे क्योंकि हमें इसको कहीं भी रखना है। तो इस वजह से जहाँ से हमने निशान लगाया है उसी जगह से इसको हम अलग कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमें काटना है, एक साइड का नहीं काटना है और बाकी सारा काट के तैयार कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमारा ये बन करके तैयार हो गया है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब ये फोल्ड करने के बाद में ये हमारा बहुत ही काम की चीज़ बन गई है। और दूसरा भी इसी तरह काट के तैयार कर लेते हैं। अब जो एक है तो इसमें हम लगा देंगे, चिमटी जो होती है उसको लगा देंगे। अब इसको कहाँ पे यूज करेंगे, जैसे हमारे फ्रिज में बहुत सारा सामान हो जाता है और हमारे स्पेस नहीं बचता है, तो ये जो हमने पीछे को पलट दिया है उसको हम इसके अंदर फंसा करके और एक चिमटी लगा देंगे। अब इसमें आप जैसे छोटे छोटे पैकेट होते हैं सॉस के हैं, या मिर्ची है, या कोई भी चीज़ है, आप इसमें रख सकते हैं। जैसे छोटे छोटे मसाले के पैकेट होते हैं उनको आप इस तरह से रख करके अपने सामान को रख सकते हैं और ढेर सारी इसमें जगह बच जाती है, क्योंकि ये छोटे छोटे डब्बे जो होते हैं ये हम फेंक देते हैं। तो नेक्स्ट डिब्बा जो हमने काटा था उसके लिए क्या होता है, जैसे जब भी कभी हम बाल झाड़ते हैं, इस तरह से बाल निकलते रहते हैं, तो इनको हम बार बार कचड़े में ना जा करके जहाँ पे भी हम बाल झाड़ते हैं वहाँ पे क्या करिए, उस डब्बे के पीछे में लगा दीजिए। आप जो हमारा डबल टेप होता है इसको लगा दीजिए और लगा करके आप जहाँ पे बाल झाड़ते हैं वहीं पे इस डब्बे को चिपका दीजिए। अब इससे होगा क्या, जब भी बाल झाड़ें आप तो तुरंत इसके अंदर डालते चले जाइए, उसके बाद में आप बाल को निकाल करके फेंक सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, इस तरह से बाल झाड़िए और इसके अंदर रख दीजिए। अब ये हमारा बहुत ही अच्छा काम हो गया कि बाल हमारे घर में बिखरेंगे नहीं। तो चलिए फिर बताते हैं कि किस तरह से हम एक बोतल से झाड़ू पोछा करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर का पार्ट हमें अलग कर लेना है। तो ऑलरेडी मेरे पास पहले से ही एक बोतल का ऊपर का पार्ट कटा हुआ रखा है, तो चलिए इसको ना काट करके हम दूसरी बोतल दिखाते हैं। सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए। तो देखिए, इस तरह से इसको पहले तो हम बराबर कर लेते हैं, एक साइड का थोड़ा बड़ा है। अब इसको बराबर इसलिए करेंगे ताकि हाथों में ना लगे, इस वजह से इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो देखिए, ये बराबर हो गया, अच्छे से इसको काट लेना है। काटने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, कैसे ये झाड़ू पोछा करेगा, वो भी आप लोग देखते रहिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो इस तरह से इसको ले लेंगे। अब कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिए, जो भी आपके पास पुराना कपड़ा है इसको बीचों बीच सेंटर में रख दीजिए। इस तरह से रखने के बाद में अब हमें चाहिए एक लकड़ी, कोई भी लकड़ी ले लीजिए जैसे इस तरह की हो। अगर ये नहीं बैठ रही है तो जो हमारा
जाला साफ करने वाला ब्रश होता है उसकी डंडियाँ खाली पड़ी रह जाती हैं, जब टूट जाता है तो इसको हम फेंक देते हैं। तो इसको ना फेंक करके आप इस यूज में ला सकते हैं। इस तरह से इसके अंदर हम इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे, ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाता है। देखिए इस तरह से दबा करके अच्छे से इसको हमें फिक्स कर देना है। देखिए ये कितने अच्छे से ये इसके अंदर बैठ गया है। अब चलिए इसमें अगर आपको लगे कि ये ढीला है तो थोड़ा सा एक काम और कर लीजिए, छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही कमाल की है, ये सभी के काम आएगी। अब यहाँ पे एक रबड़ लगा दीजिए, पतली वाली रबड़ ले लीजिए और इसको ऊपर से ला करके यहाँ पे एक बार में ही फंसा दीजिए। अब इसको हम देखिए रबड़ लगा देंगे, उसके बाद में हम जब इसका काम करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है और इसमें हमारा ना पैसा लगता है और ये बहुत ही अच्छा हमारा पोछा बनके तैयार हो जाता है। आप इससे बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको लगा करके दिखाते हैं। जैसे कि थोड़ा सा पानी डाल दीजिए कहीं भी आपको गंदा लगे, तो इस तरह से देखिए ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। आप कहीं भी इससे पोछा लगा सकते हैं, चाहे कमरे में हो या अलमारी के अंदर हो या कहीं भी, आप इससे आराम से फर्श को साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से काम करता है और इससे आप देखिए पूरे किचन की सफाई हम फटाफट से कर लेंगे। थोड़ा सा अगर कभी कभी होता है कि सूखा सूखा पोछा लगाने का मन करता है, और इस तरह से हम देखिए इसको अब रख लीजिए, इसको हमेशा यूज में ला सकते हैं। छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही कमाल की है, इससे हमारा काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। वैसे हम अगर लगाते हैं पोछा तो बहुत देर लगती है। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स है, जैसे कि इस तरह से हम झाड़ू लगाते हैं तो जो कचरा निकलता है अगर डायरेक्ट इसके ऊपर हम भरते हैं तो फिर से पन्नी के अंदर डालना कठिन हो जाता है। तो क्या करिए, एक पन्नी इस तरह से ले लीजिए और इसके ऊपर पहना दीजिए। अब पहनाने के बाद में क्या करेंगे, सारा कचरा इसी के ऊपर हम इस तरह से झाड़ू की सहायता से इसके ऊपर कर लेंगे। अब ये हमें हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा और हमारा सारा कचरा जो है वो इसी पन्नी के अंदर हो जाएगा। आप पन्नी को इस तरह से थोड़ा सा ऊपर करके और पलट दीजिए पन्नी, और देखिए जितना कचरा है सारा पन्नी के अंदर ही हो जाएगा। तो देख सकते हैं सारा कचरा ना हमें हाथ लगाना पड़ा और ना ही कुछ, अच्छे से ये हो गया है। देखिए अगर हम इस तरह से करते हैं तो पन्नी के अंदर डालने में हमें कितनी दिक्कत होती है, कहीं इधर उधर गिर भी जाता है। तो इस तरह से पन्नी पहना करके आप अपने कचड़े को उठा सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है हमारी इस तरह के किचन को लेकर के, जैसे सभी के पास में ऐसा किचन नहीं होता जिसमें डोर लगी हो, तो जिसके पास डोर नहीं लगी है अब इसको हमें ऐसे खुला खुला थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी पुरानी साड़ी ले लीजिए, उससे हम इसका बहुत ही अच्छे से इसका डेकोरेट कर देंगे जो कि ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा और बिल्कुल भी समय नहीं लगता, फटाफट से बनके तैयार हो जाता है। तो सिर्फ हमें इसमें क्या चाहिए, एक साड़ी चाहिए। तो सबसे पहले पुरानी साड़ियाँ सभी के पास होती हैं, नई साड़ी है तो कोई दुपट्टा भी आप ले सकते हैं, वो भी इसमें चल जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने साड़ी को ले लिया है। सबसे पहले तो हमें इसको नाप लेना है, जितना हमारा किचन की लंबाई है उतना और जितनी चौड़ाई है उस हिसाब से इसको नाप करके तैयार कर लेना है। तो देखिए दो भाग में हमें इसे कट करना पड़ेगा क्योंकि ये तिकोना बना होता है। इस वजह से सभी लोग सोचते हैं कि यहाँ पे पर्दे कैसे लगाएं, तो उसके लिए हम बढ़िया सी टिप्स लेकर के आएँ। देखिए इस तरह से नाप लीजिए और यहाँ से नाप करके यहीं से काट के साड़ी को तैयार कर लीजिए। पहले इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा बढ़ा करके काटिए क्योंकि सिलाई में भी इसे जाएगा, इस वजह से इस तरह से काट करके देखिए हम काट करके और फिर बाद में आपको दिखाते हैं। फिर जितनी लंबाई, साड़ी ज़्यादा लंबी है तो आप नीचे से कट करके सिलाई चला सकते हैं। तो देखिए इस तरह से चाहे तो सुई धागा से सिल सकते हैं, नहीं तो मशीन से भी सिल सकते हैं। तो देखिए दोनों साइड से हमने काट लिया है। अब चलिए इस तरह से मोटा मोटा ऊपर का हम पलट करके इस पर सिलाई चला देते हैं। सबसे पहले इसकी सिलाई चला करके इसको तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में हम दिखाते हैं कि किस तरह से ये बनके तैयार होता है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ फोल्ड कर देना है इस तरह से, और फोल्ड करने के बाद में अगर नहीं काटना चाहते हैं तो साड़ी को ज़्यादा अंदर फोल्ड कर दीजिए, नीचे से भी फोल्ड कर दीजिए और उसके बाद में इस तरह से सिलाई चला दीजिए। तो देखिए हम सिलाई चलाने के बाद में अभी हम आपको दिखाते हैं कि कुछ भी नहीं करना रहता है और हमारा किचन कितना सुंदर लगने लगता है। अंदर कोई भी सामान रखेंगे तो वो दिखेगी नहीं, और बाहर से कोई चीज़, जैसे अब इसमें क्या करिए, जो हमने सिलाई लगाई है उसमें सेफ्टी पिन की सहायता से ऊपर की पट्टी मैंने फाड़ ली थी उसी को ले लीजिए और इस तरह से इसके अंदर पूरा डाल दीजिए। अब दोनों जो पर्दे हैं वो एक साथ में हमें डालना है सेफ्टी पिन की सहायता से, अलग अलग नहीं डालना है क्योंकि एक ही डोरी में हम आप लोगों को दिखाते हैं कि एक ही डोरी से हम दोनों पर्दे डालेंगे। तो देखिए जिस तरफ से सीधा है उसी तरफ से दोनों को दोनों इस तरह से हम ज्वाइंट कर देते हैं। तो देखिए ये हमने कर दिया है, एक कील इधर साइड में गाड़ दीजिए, एक बीच में गाड़ दीजिए। इस तरह से करने के बाद में देखिए हम इसको यहाँ पर फंसा देते हैं और ये
यहाँ पे ऐसा होता है कोना, इस जगह पे कील लगा देंगे तो वो पता भी नहीं चलेगी। और अंदर में देख सकते हैं कितना अच्छे से ये हमारा बन गया है और ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो आप भी इसी तरह से अपने किचन का डेकोरेट कर सकते हैं। छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही कमाल की है। पुरानी साड़ियों से आप अपने किचन को इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं और जब भी हटाना हो तो इसको खींच करके हटा दीजिए। आशा करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना।